नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए खेल जगत की बड़ी खबरें। विराट कोहली इन दिनों अपने शानदार बल्लेबाजी और फील्डिंग की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। फेक फील्डिंग के आरोप के चलते T20 विश्व कप में कोहली के प्रदर्शन को छिपाया जा रहा है। बांग्लादेश के कीपर बल्लेबाज नूरुल हसन के आरोप के बाद भारतीय टीम के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने भी आरोप को सही माना है। आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, वो फेक फील्डिंग था, 100% था। वो जो थ्रो मारने का प्रयास किया था, वो अगर अंपायर देखते तो 5 रन की पेनल्टी पड़ती और 5 रन से हम मैच भी जीते हैं। खैर, चोरी वहीं जो पकड़ी ना जाए, किसी ने नोटिस नहीं किया। अब क्या ही किया जाए जब चिड़िया चुग गई खेत। लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की पारी के 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने गेंद को डीप में फील्ड किया और कीपर दिनेश कार्तिक की थ्रो किया। इसी बीच कोहली ने ऐसा दिखाया कि उन्होंने गेंद पकड़ी और नॉन स्ट्राइकर की तरफ थ्रो की। इस घटना पर ना ही बांग्लादेश के बल्लेबाजों का ध्यान गया और ना ही फील्डर अंपायर का। बायजूस ने शुक्रवार 4 नवंबर 2022 को स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अपने सोशल इंपैक्ट आर्म एजुकेशन फॉर ऑल का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है। कंपनी ने कुछ दिन पहले ही मुनाफा कमाने का हवाला देते हुए छटनी करने का फैसला लिया था और अपने 2500 कर्मचारियों से माफी मांगी थी। कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि मेसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए उन्हें कितना पेमेंट करना पड़ा है। ये पहली बार नहीं है जब बायजूस ने प्रमोशन और ब्रांड एम्बेसडर को लेकर बड़ा कदम उठाया है। 2017 में उन्होंने बॉलीवुड नेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। 2019 में कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर बनी थी, जिसका 2017-2022 के लिए अनुबंध 1,074 करोड़ रुपए का था। शाहिद अफरीदी के बाद अब महिला क्रिकेट टीम के कप्तान बिस्मा मारूफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कलई खोली है। उन्होंने पिछले 8 साल में महिला खिलाड़ियों की मैच फीस बढ़ाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB की नाकामी पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बिस्मा मारूफ की टिप्पणी आयरलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज की शुरुआत से पहले लाहौर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों की मैच फीस पिछले 8 साल से नहीं बढ़ाई गई है। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने शाहीन शाह अफरीदी के इलाज को लेकर PCB पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि युवा तेज गेंदबाज ने इंग्लैंड में अपने रिहाब का खर्च खुद उठाया है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।